वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नितिन गोयल और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम बात कर चुके हैं पहले कॉस्ट ऑडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, और आज हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ही पार्ट बी मैनेजमेंट ऑडिट। अब जैसा कि नाम पता क्लियर है कि हमने कहा फाइनेंशियल ऑडिट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आया, कॉस्ट ऑडिट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग से आया, मैनेजमेंट ऑडिट आया तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आया। ये कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कंसर्निंग अ बिजनेस, जहाँ पे वो एनालाइज करते हैं कंपनी के बारे में हर चीज़, जैसे दे गो थ्रू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इवन द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न, जो आपने पढ़ा हुआ है बिजनेस प्रिंसिपल्स में, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ही रेफर टू द वेरियस डेफिशिएंसीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सजेस्ट लाइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। सिंस ही इज एन आउटसाइडर, देयरफॉर ही इज एक्सपेक्टेड टू मेक एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन एंड हिज सजेशंस इन मेनी केसेस आर फाउंड रिमार्केबल एंड फेवरेबल फॉर द अंडरटेकिंग। उसके जितने भी सजेशन होंगे वो कंपनी के हित में होंगे उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। मैनेजमेंट ऑडिट इज वॉलंटरी ऑडिट एंड इट कैन बी मेड यूज ऑफ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, इट इज़ नॉट कंपलसरी, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वॉलंटरी ऑडिट, ये कंपलसरी नहीं होता। द मैनेजमेंट दीज डेज रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग सर्विसेज एंड देयरफॉर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूजफुलनेस मैनेजमेंट ऑडिट हैज़ बीन मच इन डिमांड। These days the management audit is really a complex task and it is related with the process of management. In management audit we include, अब management audit में करते क्या क्या है, identification of objective of the organization, company का objective क्या है, overall objective of the organization जिसके बेस के ऊपर वो अपने target and plan को देखते हैं, review the organization structure of the whole unit, कोई भी company अकेले नहीं चलती, उसका structure होता है पूरा का पूरा, departments होते हैं सब check करने होते हैं, to examine the performance of each responsibility center। ये आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा क्लियर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है कि कॉस्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट के लिए, प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट के लिए, रेवेन्यू वाला रेवेन्यू के लिए, सेल्स वाला सेल्स के लिए, परचेज वाला परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाता है अपने आप में। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एग्जामिनेशन द मैनेजमेंट ऑडिटर हैज़ टू सजेस्ट रियलिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंस्ट्रक्टिव मेजर्स, जो कुछ भी ऑब्जर्व करेगा देखेगा उसके बेस के ऊपर अपने एक्शन और मेजर सजेस्ट करेगा मैनेजमेंट को। So why do we need management audit? It is often alleged by some critics that management audit serves no material purpose, मतलब कोई काम नहीं करता ये, टाइम पास की चीज़ें। It is also argued that a review of managerial action and decision would discourage their initial and dynamism of managers. वो कहते हैं कि अगर आप हर बात में managers को ला ला के उनके बारे में review करते रहोगे तो उससे वो dynamism company का जो एकता होती है वो ख़त्म होती है। But the critics of management audit do not realize that this is not really detailed audit of the kind that government auditor undertake. Management audit is essentially a review of performance of various managers. It is like a कहीं ना कहीं आप कहोगे ना HR का काम तो नहीं करता है, ह्यूमन रिसोर्स का, ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ हर मैनेजर के बारे में काम करने का तरीका होता है, आजकल तो बहुत होता है लेकिन इसका नाम बताते नहीं किसी को। मैनेजमेंट ऑडिट इवेल्यूएट्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर देम विद द predetermined policies to achieve desired targets. हर कंपनी के अंदर मैनेजर्स के कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं, फिर उनके टारगेट्स होते हैं, उसके बेस पे वो काम करते हैं, फिर उनके जो उन्होंने एक्चुअल किया और उनसे क्या एक्सपेक्टेड था, डिज़ायर्ड टारगेट था, उसको कंपेयर करते हैं। यानी कि निकालना है आपको, सिर्फ चेक करने के लिए कमी कहाँ पर है उसको हम ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। अ प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट में कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट पीरियोडिकली टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजर्स एंड लिंक अ सिस्टम टू इंसेंटिव्स। अच्छे मैनेजर परफॉर्मेंस होगा तो इंसेंटिव मिलेंगे। आपने नाम सुना परफॉर्मेंस अप्रेजल, घर में कई लोगों से सुना होगा आपने, रिश्तेदारियों में दोस्तों से, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। मोर ओवर मैनेजमेंट ऑडिट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ऑडिटर ऑडिट कंसर्न्स इटसेल्फ प्राइमरी विद द रिजल्ट विद विच द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स आर देयर, दस द परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय रिलेटिंग इनपुट एंड आउटपुट, कि आपने क्या इनपुट दिया था आपका क्या आउटपुट आया उसे हम चेक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। ओ ओ ओ आई थिंक ओपन ही चला गया, हियर आई कैन, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ये वॉलंटरी होता है, मैनेजमेंट कंपनी अपने लिए कराती है, कोई गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता। ये स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, कल को अगर आप ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर बनते हैं कंपनी के अंदर तो उसके अंदर बड़ा यूजफुल होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ विद इन द बिजनेस, स्कोप कितना है, सिर्फ मैनेजमेंट और स्टाफ का आपस का रिलेशन, मीन्स कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सब इसके स्कोप में आते हैं। रिलेशनशिप ऑफ द बिजनेस विद इट्स ओन शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टिंग पब्लिक,
कंपैरिजन बिटवीन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ऑन सेल्स एज कौन पे एज कंपेयर्ड, ये गलत लिखा हुआ है ठीक है, ये कंपेयर्ड है विद अदर आइडेंटिकल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मतलब इंटर फर्म कंपैरिजन के लिए भी काम आता है। जज द सुटेबिलिटी, प्रेडिक्टिव प्रैक्टिकेबिलिटी एंड प्रेजेंट कंप्लायंस ऑफ द मैनेजमेंट। अगर देखोगे ना तो इसके अंदर कोई ऐसा हाई फाई फंडा नहीं है, एक तरह से ना लोगों को इवेल्यूएट करने का तरीका होता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेड थी, क्या नहीं है और क्या कर रहे हैं, कुछ गलती है, कुछ कम ज़्यादा है, तो वी कैन थिंक अबाउट देयर इंप्रूवमेंट एरियाज। द करंट स्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन टू ओपिनियन ऑफ जनरल पब्लिक, रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट, एसर्टेन दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सटेंशन, कॉस्ट रिडक्शन एंड ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हैव बीन सो इफेक्टिवली अप्लाइड। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ये सब पढ़ा हुआ है तो ये सब चीज़ें उसी को इवेल्यूएट करते हैं, एक एक चीज़ को, दैट बिकम्स मैनेजमेंट ऑडिट। सेलिंग इज बीइंग एक्टिवली परस्यूड इन कनेक्शन विद एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट में डिफरेंस क्या है। अब कॉस्ट ऑडिट जो है वो कॉस्ट के ऊपर जाता है, मतलब हर प्रोडक्ट की कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, टाइम की कॉस्ट, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट उनकी परफॉर्मेंस पे जाता है, उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसके पैसे से लेना नहीं है, उसका एफिशिएंसी से लेना होता है। कॉस्ट ऑडिट एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट पे आता है, मैनेजमेंट ऑडिट आता है एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। तो ये कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट इन्वेस्टिगेट एंड डेवलप द रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, वाइल कॉस्ट ऑडिट इज वेरीफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर मेजरिंग द इंटरनल एफिशिएंसी। तो वो वेरीफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड है लेकिन वो वहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर रहा है। अंडर द मैनेजमेंट ऑडिट द मैनेजमेंट ऑडिटर इन्वेस्टिगेट द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न एज वेल एज रिलेशनशिप। हर जगह रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ओन इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टिंग पब्लिक, आउटसाइडर्स। लेकिन कॉस्ट ऑडिट क्या करता है, सिर्फ रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है, चेक करता है और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंस निकालता है उसकी। अंडर द मैनेजमेंट ऑडिट एनी पर्सन हैविंग नॉलेज अबाउट द मैनेजरियल कंट्रोल, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल कैन बी अपॉइंटेड एज द मैनेजमेंट ऑडिटर। मतलब जो भी इंसान मैनेजमेंट के रोल पे है ही कैन बिकम मैनेजमेंट ऑडिटर, लेकिन कॉस्ट ऑडिटर बनने के लिए आपको ICWA का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट प्रिस्क्राइब बाय लॉ, देखो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी बाय ICWA, हमने जो कल बात की थी सेक्शन 209 में, इट इज कंपलसरी। मैनेजमेंट ऑडिट कवर्स अ वाइडर एरिया और जबकि इट कैन बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ प्लानिंग फॉर 3 years, 5 years, 8 years, लेकिन कॉस्ट ऑडिट तो जिस साल काम किया उसी को देखोगे ना। मैनेजमेंट ऑडिट मे बी कंडक्टेड बाई एनी इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ द कम और एनीबडी बाय द हु इज द मैनेजर, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ओनली कैन टेक कॉस्ट ऑडिट, उसके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स है। कंडक्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वी कैन थिंक अबाउट लीविंग दिस टॉपिक। इस चैप्टर में जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपका जो काम करना है वो ये है कि आपको डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ये सब आपको पढ़ना होता है। ये सब आप पढ़ना बिल्कुल सिंपल से है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ ना ज्ञान जितना पढ़ा इस चैप्टर इस ऑडिटिंग के बारे में उसके बारे में दोबारा से पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आता हूँ ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर, नाम पढ़ रहा हूँ सिर्फ, चेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैनेजर चेक करेगा प्रोडक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे करेंगे लोग, ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, वेरीफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सप्लाई देखेंगे, वॉचिंग द रेलिवेंट एक्टिविटीज, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, इस्टेब्लिश कंपेरिजन। एक बार पढ़ के देखना, ये सब चीज़ें ना मैं पहले कवर कर चुका सारे पिछले चैप्टर्स में, अगर आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट में लिखना और मैं आपको इसका मीनिंग वहीं समझा दूंगा। राइट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर, ऑल्दो अ मैनेजमेंट ऑडिटर हैज़ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज इन कन्फर्मिटी विद द नेचर एंड कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट, हाउएवर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर अ मैनेजमेंट ऑडिटर हैज़ गॉट सम ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। राइट्स क्या हैं, जो ऑडिटर के राइट्स हैं, चेकिंग द रिकॉर्ड, राइट ऑफ फीस, पैसे मिलने चाहिए उसको, मेकिंग अप्रेजल एंड रिव्यू ऑफ प्रोसेस, यूज ऑफ टेक्निक्स, उसको राइट है, ड्यूली साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा उसको साइन भी करेगा। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी जर्नल जो बातें ना ऑडिटर की वो सब इसमें लिख दो, आपके क्लियर हो जाते हैं।
मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिटर शुड प्रॉपरली एडिट एंड रिव्यू द रिपोर्ट प्रायर टू सबमिशन टू द बोर्ड. रेलिवेंट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हर जगह वही कहानी आएंगी. एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, शुड बी रेफर टू अवॉइड एनी ओन लाइबिलिटी. जो ऑडिटर के बारे में जितनी बातें आपको करिए ना, वो सारी बातें आप इन जनरल मैनेजमेंट के लिए लिख सकते हो. कोई आपका कंपल्शन नहीं कि आपको एक एक चीज़ दोबारा से याद करनी है. ओके, मैं आता हूँ सीधा. आई एम गोइंग टू कम टू TDS, टैक्स ऑडिट. यस, टैक्स ऑडिट पे आते हैं. तो बात करते हैं टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट क्या होता है? बिसाइड शेयर होल्डर, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव डिफरेंट यूजर्स, वीजा, क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर, लैंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज एट्सेट्रा. द इन्फॉर्मेशन रिवील बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस यूजर्स. द टैक्स अथॉरिटीज नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू चार्ज टैक्स एंड अलाउ डिडक्शंस. इट इज़ इन द कंटेक्स्ट दैट द कंसेप्ट ऑफ टैक्स ऑडिट डेवलप्ड. टैक्स ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू एसेस करेक्टनेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट टू एंश्योर कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड ऑल्सो एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. कि आपने जो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से अपने सारे टैक्सेबल प्रॉफिट बनाए हैं, करेक्टली मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेशन प्रॉपर है या नहीं है, तो इसके लिए स्कोप ऑफ ऑडिटर रोल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो 1961 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिटर का क्या रोल होगा फॉर टैक्स ऑडिट, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं. तो दोस्तों, जो हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑडिट की, तो इनकम टैक्स ऑडिट में जो ऑडिटर का रोल आता है वो ये है. द ऑडिटर रोल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कैन बी ब्रॉडली समराइज अंडर थ्री हेड्स. नंबर वन, कंडक्टिंग द टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, सर्टिफाइंग इन्फॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, क्लेमिंग वेरियस डिडक्शन. सिर्फ आप ये नहीं करेक्शन कैसी है, ये भी देखोगे डिडक्शन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. एंड कंडक्टिंग सिलेक्टिव ऑडिट अंडर सेक्शन 142. तो 44B क्या होता है, दैट इज ए कंपल्सरी ऑडिट, जिसको बोलते हैं कंपल्सरी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ये करना ही पड़ेगा. पर्सन फॉर होम कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44AB, टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ए पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन इफ इन केस ऑफ बिजनेस उसकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है, सेल जो होती है, टर्न ओवर जिसको हम बोलते हैं, वो 1 करोड़ से ज़्यादा की हो पिछले साल में. अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको अपना कंपल्सरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. और इन केस ऑफ प्रोफेशनल, जो आपके लॉयर होते हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 25 लाख से ज़्यादा हो गई पिछले साल में तो उनको कंपलसरी करना पड़ेगा. इन केस ऑफ एन SSC कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD, ये बहुत सारे सेक्शन सबके लिखे हुए हैं. ओके, एज द केस में भी रिस्पेक्टेड टर्न ओवर, ये आप सब छोड़ सकते हैं. ठीक है, ये मेन है आपका, ये दो चीज़ तो मेन है आपकी, 25 लाख और 1 करोड़ की टर्न ओवर. फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम. SSC who is required to get his accounts audited must obtain a report of audit as required under this section. तो जब भी आपने returns file करेंगे ना, company या professional service वाला, वो अपने साथ audit, tax audit की report भी साथ में लगाएगा. Qualification for appointment of a tax auditor, who can become tax auditor? According to the provision of section 44AB, the audit report should be given by an accountant. An accountant for the purpose of section this will mean a chartered accountant within the meaning of Chartered Accountant Act 1949 and includes a person who is eligible to be appointed as auditor. मतलब ये report CA से आएगी, chartered accountant से आएगी, कोई normal accountant नहीं देगा. Further, a chartered accountant in practice who renders tax consultancy on a professional fees basis can also conduct tax audit. जरूरी नहीं है कि कंपनी का employee होगा, बाहर से आके टैक्स कंसल्टेंसी देता है वो भी रिपोर्ट दे सकता है. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ टैक्स ऑडिटर, एन एम्प्लॉय ऑफ द SSC, अगर सेम कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है तो वो नहीं बन सकता. चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज रिटन द बुक्स ऑफ SSC, नहीं कर सकता, मतलब जिसने खुद ही काम किया तो वो थोड़ी ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा. इंटरनल ऑडिटर इफ अपॉइंटेड आफ्टर December 2008, अगर December 2008 के बाद कोई भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है कंपनीज में, वो भी नहीं होगा. इनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं? द टैक्स ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी और एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट फॉर मेकिंग सच एन अपॉइंटमेंट.
Similarly, a partner of firm or proprietor or any other authorized person can appoint the tax auditor. मतलब कंपनी का जो ओनर है वही अपॉइंट करेंगे इस ऑडिटर को. सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट्स, कितने ऑडिट आप कर सकते हो. द फॉलोइंग शुड बी नोटेड विद रिगार्ड टू नंबर ऑफ ऑडिट. अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 45 टैक्स ऑडिट असाइंड इन द फाइनेंशियल ईयर. एक साल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 45 से ज़्यादा टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता. इन केस ऑफ अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ 45 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट इज़ टू बी काउंटेड फॉर एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म. अगर कोई फर्म की बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता 45 से ऊपर, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में 50 ऑडिटर्स हैं तो वो 50 के 50 मल्टीप्लाई बाय 45 से ऊपर नहीं कर सकते. ठीक है, ये सब फॉर्म वगैरह इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना पेपर में नहीं आता. ये सब मैं छोड़ देता हूँ. इलेक्टिव टैक्स ऑडिट, EDP ऑडिटिंग बेसिकली क्या है, एंटरप्राइज डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर होता है ये. मैं इसका नाम कहीं लिखा है, दिखाता हूँ आपको. ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ऑडिट, ये मेनली क्या होता है, जो अकाउंटिंग की ना एक बड़ी स्ट्रीम होती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. और उस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को अगर हम बेस बना के चलते हैं ना, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब जितना भी आपका अकाउंटिंग है ना वो कंप्यूटराइज जुड़ा हुआ है. तो अब उस कंप्यूटर्स के इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशन गोल, इफेक्टिवली कंज्यूम रिसोर्स एफिशिएंटली, ये सब चीज़ जो इसमें लिखी हैं, देखो यहाँ पे लिखी हैं. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इवेल्यूएटिंग एविडेंस टू डिटरमिन वेदर ए कंप्यूटर सिस्टम सेफ गार्ड द एसेट्स, मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड कंज्यूम रिसोर्स एफिशिएंटली. मतलब इस पूरे ऑडिट के अंदर हमें देखना है कंप्यूटर के थ्रू क्या हमारे सारे काम अच्छे से हो सकते हैं या नहीं हो रहे. तो इसमें क्या है, मैनुअल अकाउंटिंग ऑडिट और कंप्यूटराइज अकाउंट ऑडिट में डिफरेंस क्या है. नाउडेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, एन ऑडिटर कैन अंडरस्टैंड द मैनुअल सिस्टम इन फ्यू आवर्स. लेकिन अगर वो EDP सिस्टम को चेक करना चाहता है तो उसको बहुत नॉलेज चाहिए कंप्यूटराइज की. ऑडिट ट्रेल होते हैं. अब ऑडिट ट्रेल बेसिकली आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन EDP सिस्टम को जब हम ऑडिट करते हैं तो उसका ऑडिट ट्रेल ऑटोमेटिक आता है. कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे सेग होता है, बिजी होता है, टैली होता है, इन सब में ना ऑडिट ट्रेल बनते हैं कि कहीं अगर गलती हो गई ना तो वो उसको रेड कर देगा. फिर उसको आप डिलीट करोगे तो डिलीट तो हो जाएगा लेकिन सिस्टम में देखेगा गलती कहाँ हुई थी. लेकिन मैनुअल में वो चीज़ें नहीं हो पाती ऑडिट ट्रेल. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिफर विद द टाइप ऑफ अकाउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल, इन मैनुअल सिस्टम इंटरनल कंट्रोल ऑन वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ सेवरल क्लर्क्स. लेकिन अगर EDP फॉलो करोगे तो एक सॉफ्टवेयर ही तो है, आपने बायोमेट्रिक के सब कुछ अपने आप होके आ जाएगा. आजकल लोग बायोमेट्रिक क्यों यूज़ करते हैं, कि लेबर आई, उसने पंच मशीन पर अपना हाथ लगाया, उसकी अटेंडेंस लग गई, जब वो गया तो अटेंडेंस ख़त्म हो गई आज की, तो हो क्या रहे. और उसके अकॉर्डिंगली उसकी लीव, वेजेस सब ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है. लेकिन मैनुअल में सब चीज़ें हर बंदा अलग अलग करता है. ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जनरली इन्वॉल्व टाइटर शेड्यूलिंग दैन ऑडिट ऑफ मैनुअल अकाउंट्स. यहाँ पे टाइटर शेड्यूलिंग है हर चीज़ की. हर चीज़ आपकी कंप्यूटर्स है ना, रोबोटिक चल रही है. दिस इज़ बिकॉज द क्लाइंट हैज़ टू मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड ऑडिटर एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक अवेलेबल वेरियस फाइल्स. अब यहाँ पे इसको कंप्यूटर भी देना पड़ेगा और बहुत सारी फाइल भी देनी पड़ेगी, उसको परमिशन देनी पड़ेगी, एक्सेस देनी पड़ेगी. देखो ना, चोरी भी हो सकती है, डाटा उठा के भाग जाए तो. कंसिक्वेंस ऑफ एरर, द कंसिक्वेंस ऑफ एरर इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी मोर सीरियस देन द कंसिक्वेंस इन मैनुअल सिस्टम. एरर इन मैनुअल सिस्टम आर सो स्टोकेस्टिक इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट टू लेजर बाय क्लर्क, वाइल एरर्स इन कंप्यूटर सिस्टम आर डिटर्मिनिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम विल ऑलवेज ट्रीट वेजेस सैलरीज एज रेवेन्यू आइटम. बट अब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जब भी आप सैलरी डालोगे, वेजेस डालोगे ना, उसको वो ऑटोमेटिक रेवेन्यू नेचर में डाल देगा. लेकिन कभी कभी उसको हमें कैपिटलाइजेशन में डालना पड़ता है, लेकिन वो करते नहीं हम लोग. क्योंकि अगर आपने एक नई मशीनरी लगाई है, उसकी वेजेस दिए हैं, तो वो वेजेस उस इंस्टॉलेशन में ऐड होने चाहिए. लेकिन कंप्यूटर तो नहीं करेगा ना, वो चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती है. टाइप्स ऑफ EDP अकाउंटिंग सिस्टम, नाम है प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें बैच, रियल टाइम प्रोसेसिंग, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चाहिए होगा आपको. आपको एक छोटा कंप्यूटर चाहिए होगा, एक माइक्रो कंप्यूटर भी चल सकता है इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग भी होता है. मतलब एक कंप्यूटर फ्रेमवर्क की बात हो रही है. ऑडिट अप्रोच इन द कंप्यूटर एनवायरनमेंट, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर,
यार मैं इसको ना छोड़ता हूँ आपके लिए, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान मेरे तरफ से हो जाएगा। आप इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लेना, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपको है ही। कंप्यूटर याद है आपने जब पहली बार कंप्यूटर की कोई बुक पढ़ी थी ना, तो उसमें कंप्यूटर के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या फ़ायदे नहीं होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें लिखनी है। भाई वो पढ़ लेना इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? नहीं समझ आएगा तो बता देना, दोबारा लेक्चर बना दूंगा, वैसे ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता एग्ज़ाम के लिए। तो दिस इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 10, और आज हमारा ऑडिटिंग का बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस ख़त्म होता है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये 10 के 10 चैप्टर जो मैंने अपलोड किए हैं, अपने दोस्तों को इनको शेयर करो और इस चैनल को प्रमोट करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।